स्वागत है, महीना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरें। केरल में खतरनाक कुत्तों को इच्छा मृत्यु देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। अतीक के बेटों की सुरक्षा से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट आज करेगा सुनवाई। आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। नौकरियों के लिए जमीन मामले में राउत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज। यमुनानगर हरियाणा के हथीन कुंड बैराज से यमुना में 3 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया। 17-18 जुलाई को बेंगलुरु होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में सोनिया गांधी भी होंगी शामिल। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने विनियस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन से की मुलाकात। संगूर के मोनो इलाके में घग्गर नदी का बांध 3 जगह से टूटा, गांव में तेजी से बढ़ रहा पानी। उत्तराखंड के देहरादून और उत्तरकाशी में बारिश का अलर्ट, अब तक 16 की मौत, 3 लापता। झाबुआ में आदिवासी बच्चियों के साथ छेड़छाड़ का आरोपी एसडीएम गिरफ्तार। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, सुबह 7 बजे जल स्तर 207.18 दर्ज। दिल्ली मायापुरी में ऑटोमोबाइल शोरूम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 20 गाड़ियां मौके पर। ईडी ने बंगाल के कानूनी मंत्री मलय घटक को कोयला तस्करी मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। उत्तराखंड, चारधाम यात्रा के तीर्थयात्रियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए गए। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहाल प्रचंड की पत्नी सीता दहाल का कार्डियक अरेस्ट से निधन। बिहार विधानसभा में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी का हंगामा, नीतीश तेजस्वी मौजूद। उत्तराखंड में बारिश को लेकर रेड अलर्ट, अब तक 18 लोगों की मौत। नई दिल्ली, गीता कॉलोनी फ्लाईओवर के पास टुकड़ों में मिली लड़की की लाश। पीएम मोदी फ्रांस की 2 दिवसीय यात्रा से लौटकर 15 जुलाई को यूएई जाएंगे। केरल, प्रोफेसर टीजे जोसेफ पर हमला करने के मामले में 6 दोषी कल सुनाई जाएगी सजा। दिल्ली, यमुना के जलस्तर का 45 साल का रिकॉर्ड टूटा, केजरीवाल ने बुलाई बैठक। राजस्थान में गैंगस्टर कुलदीप जगीना की गोली मारकर हत्या, जयपुर से भरतपुर कोर्ट ले जा रही थी। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।